माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या में एक माफिया का कनेक्शन सामने आया है, क्योंकि अतीक और अशरफ को मारने वालों में एक हमलावर उस गैंग का सदस्य है जिससे दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग भय खाते हैं। इस माफिया को आतंक का पर्याय माना जाता है। दरअसल अतीक अहमद की हत्या में जिस माफिया का नाम सामने आ रहा है उसका नाम सुंदर भाटी। सुंदर भाटी ग्रेटर नोएडा के गंगोला गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि सुंदर भाटी के इशारों पर अतीक अशरफ के हथियारों तक जिगाना पिस्टल पहुंचाई गई थी। पाकिस्तान के रास्ते भारत आने वाली जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या में किया गया। बता दें कि सुंदर भाटी पर 62 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसको हाल ही में गौतम बुद्ध नगर जिला न्यायालय ने हरेंद्र प्रधान हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उसके बाद से वह जेल में बंद है। अपराध की दुनिया में आने वाले समय में वह बुलंदशहर में ट्रांसपोर्ट का ठेका लेता था। उसके बाद वह नेताओं के संपर्क में आया और राजनीतिक हत्या करने लगा। हालांकि सुंदर भाटी भी राजनीति में आना चाहता था, लेकिन इस बीच नरेश भाटी जिला पंचायत चेयरमैन बन गया। सुंदर और नरेश पहले साथी थे, बाद में सुंदर ने चेयरमैन नरेश भाटी की हत्या कर दी और फिर उसके बाद वो जुर्म की दलदल में फंसता चला गया। पहली बार सुंदर भाटी को आजीवन कारावास की सजा हुई है। सुंदर भाटी गिरोह के सदस्यों का काम रंगदारी वसूलना, सुपारी लेकर हत्या करना, स्कैम के ठेके हत्याना, शरिया चोरी करवाना था। सुंदर भाटी गिरोह के गुर्गों पर आरोप है कि उन्होंने पूर्वांचल में कई हत्याएं की है। क्या कहना है आपका इस खबर पर, जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।